अपने अभिभावक से कहिए जिसपे आप विश्वास करते हैं, टीचर से कहिए, हमारे आठ समूह के उनमें अगर विश्वास है, भरोसा है, फैमिली आपसे उनसे टचअप में है, तभी उसे कोई बात शेयर कीजिए। हर किसी से पर्सनल बात नहीं शेयर करना है, आपके वो फायदा उठा सकते हैं। आप गली मोहल्लों में जो खेलते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं होती है, वहां खुद को सिक्योर रखने की जरूरत है। आप लोग भीड़ भाड़ वाली जगह पे जैसे पार्क हो गए, उस जगह का चुनाव करें। पढ़ाई के दोस्तों के साथ पढ़ाई का माहौल बनाए, अकेले कहीं भी गली में या कोई आपको जैसे रोड पे गाड़ी है, कार खुली है, अगर कोई आपको इशारा करता हो तो साइड ना जाए। कभी भी इस तरह का डाउट हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चले, कोशिश करें जानने का कि वो अनोन आदमी है। ज्यादातर अभी घटनाएं देखी जा रही हैं, आपके रिलेटिव निकल रहे हैं उसमें, रिलेटिव में कोई भी हो सकते हैं, दुर्भाग्य है ऐसा। रिलेटिव में सपोज डेट आपके आंटी हैं, फूफा फूफी जो भी है, कोई भी हो सकते हैं। इसीलिए अगर किसी तरह की परेशानी आपको है, कोई समस्या है, अगर कोई ऐसी प्राइवेसी है जो बातें हैं आपकी जो आप किसी से नहीं शेयर कर सकते, अपने माता पिता से शेयर करें। अगर ऐसा लगता है आप लोग बड़े हैं, अपने फैमिली से भी नहीं कर सकते हैं, तो खाने भी में हम लोग भी आपकी मदद करते हैं। अभी 3-4 दिन पहले की जो घटना हुई है, हमारे थाने में एक मैटर आया है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। 13 से 16 साल की लड़की है जो एक लड़के से बात करती है, उसके विश्वास करती है, और फैमिली भी जानते हैं क्योंकि रिलेटिव है, दोनों में प्राइवेट बातें होती हैं, वीडियो कॉलिंग होती है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करके दोनों रखते हैं। और आज उसको लड़की को हरेस करने के लिए, गलत काम करने के लिए उसको उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को वायरल करने की धमकी दी जा रही है। वो लड़की बहुत डर के पहले तो थाने अपने फैमिली को भी नहीं बताया, थाने पर आई, मैडम ऐसे ऐसे बात, हमने फैमिली से संपर्क किया, वो फैमिली के सामने बोल भी नहीं पा रही थी। केस हुआ उस पे, आगे जो भी